हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको इस चैनल पर DOE द्वारा प्रसारित सारी वर्कशीट्स की के सॉल्यूशंस मिलते हैं, तो आज मैं आपको करा रही हूँ उसी सीक्वेंस में या उसी सीरीज़ का क्लास थ्री वर्कशीट नंबर 102BA पर। यह आपकी हिंदी की वर्कशीट है और ये आपकी जो पाठ है, पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ मुझे सांप जब मुझको सांप ने काटा से ली गई। ठीक है, वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको अपनी क्लास, उसका सेक्शन ABCD जो भी हो, आज की डेट यानी कि 1 नवंबर 2021, आपका नाम और आपकी टीचर का नाम लिखना है। आपने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा, जब मुझको सांप ने काटा। इसमें कैसे बच्चे को एक ततैया यानी बरैया काट लेती है और लोग उसके नाना नानी समझते हैं कि उसे सांप ने काट लिया और वो किस तरीके से उसका इलाज कराते हैं। तो देखते हैं, आज हम इस वर्कशीट में कुछ नया सीखेंगे, देखते हैं क्या सीखते हैं। पिछली कार्यपत्रिका में हमने पाठ जब मुझको सांप ने काटा को बहुत ही उत्साह के साथ पढ़ा। मोर का एक सुंदर मुखौटा भी बनाकर पहना। बच्चों, आपको मुखौटा पहनकर मजा आया ना? आइए अब इस पाठ की कुछ पंक्तियों को फिर से बोलकर पढ़ते हैं। उसने उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने मंत्र बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता, वह डांटकर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े रहे। इस पाठ में जब उस बच्चे को बूढ़े बाबा के पास ले जाया गया जो कि सांप काटने का इलाज करते थे, वो उस समय की स्थिति बयां कर रहा है कि मन तो मेरा बहुत था कि मैं उसे बता दूं मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है, यानी कि जो मधुमक्खी वाली वो होती है उसने काट लिया है, पर वो बता नहीं पाया क्योंकि उसके नाना ने उसे डांट दिया। अब हम शुरू करेंगे इसके ये जो अभ्यास कार्य दिया गया। आइए बच्चों, अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को सामने दिए गए विकल्पों में से ढूंढकर उन पर सही का निशान लगाते हैं। हमें सही उत्तर पर निशान लगाना है। पहला है, बच्चे को कौन डांट रहा था? तो जैसे ही बच्चा बोलना शुरू करता तो उसे कौन डांट देते थे? उसके नाना जी। बच्चे को इलाज के लिए कहाँ ले गए? बच्चे को इलाज के लिए एक बूढ़े व्यक्ति के पास ले गए। सांप शब्द का समानार्थक शब्द क्या है? तो सांप को हम और क्या कहते हैं? हम उसे सर्प भी कहते हैं। अगला है, उदास शब्द का विलोम शब्द क्या है? उदास मतलब होता है दुखी होना और उसका विलोम है खुश। ठीक है, तो बच्चे को कौन डांट रहा था? नाना जी। बच्चे को इलाज के लिए कहाँ ले गए? बूढ़े के पास। सांप शब्द का समानार्थक शब्द क्या है? सर्प। उदास शब्द का विलोम शब्द क्या है? खुशी। अब अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों को बोलकर पढ़िए और सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाइए। यहाँ पर हमारे अनुस्वार और अनुनासिक और रा की मात्रा वाले ज़्यादातर शब्द हैं और बड़ी की मात्रा, तो इसमें से जो भी सही शब्द है उस पर हमें गोला लगाना है। जैसे फर्स्ट है छापकली और छिपकली, तो इसमें सही शब्द है हमारा छिपकली। मंत्र और मतर, मंत्र। बूढ़ा या बूढ़ा, बूढ़ा। सांप या सांप, सांप, तो इसमें सही शब्द हमारा है सांप। बर या बरर, बर। ठीक है, तो अब हम इसका करेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया गया है ये देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पाठ के आधार पर लिखकर बताइए कि झाड़ फूंक वाले व नाना जी ने बालक को बोलने से मना क्यों किया होगा। उन्होंने मना इसलिए किया ताकि दवा का असर पूरा हो सके। तो क्या लिखेंगे, झाड़ फूंक वाले व नाना जी ने बालक को बोलने से मना किया ताकि दवा का असर पूरा हो सके। ठीक है, तो उम्मीद है आपके लिए वर्कशीट यूजफुल रही होगी। इसके साथ साथ आपको क्या करना है आगे, ये अब आपको बातचीत वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट करना है। उसमें क्या दिया गया है? उसमें दिया गया है आपको ये जो महिला है
और ये जो बच्चे हैं, ये महिला खाना बना रही है और बच्चे उसके आसपास बैठे हैं, तो ये आपस में क्या बातचीत कर रहे होंगे आपको स्वयं लिखना है और अपनी टीचर को उसे बताना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपके लिए वर्कशीट यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।